अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम हैदराबाद। दोस्तों हम लोग एक माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन शौक़ दिखाएंगे आपको। आज हम लोग हैं आज ज़िया भाई के साथ और उनका जो शौक़ है हैदराबादी में वो आपसे शेयर करेंगे। माशाल्लाह पूरा ब्रीडिंग सेटअप देखने वाले हैं आज हम लोग। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़िया भाई के टेरिस से विथ हिमसेल्फ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम आसिम भाई, कैसे थे आसिम भाई? बहुत अच्छा हूँ माशाल्लाह। मैंने हैदराबाद में बहुत सारे शौक़ देखा हूँ, बड़े उस्तादों के भी देखा हूँ, बहुत अलग अलग शौक़ देखा हूँ। आपका शौक़ देख के बहुत दिल खुश हुआ मेरा। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बकरियाँ सब अच्छी हैं, हेल्दी हैं और बकरे भी इतने अच्छे बकरे के मैं क्या बताऊँ। वन ऑफ द ब्रीडर आपके सामने हैं, मैं बराबर से आपको पूरा टूर कराऊँगा। और ये भाई का जो नायाब शौक़ है, अल्लाह इसको बरकरार रखे, ज़बरदस्त शौक है माशाल्लाह, ये दिखाएंगे। ये बकरा आपका मेन ब्रीडर है अभी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्या बात है। हैदराबादी में कान देखना तो ज़रूरी ही है, लेकिन कान के साथ साथ इसकी लेंथ, इसका बॉडी फिगर, मेंटेनेंस देखें आप लोग माशाल्लाह। क्या कान होंगे आपके हिसाब से भाई? ये 21 है आसिम भाई, 21 और जो है 8.7 है। 8.7, वाह। खालिद भाई ये अच्छे कान ही, बहुत भारी कान मानेंगे ना इसका? भारी है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। 21 इंच बोले तो हाई क्वालिटी में आ जाता है भाई बकरा। और इसका जो पंच है ना, लंगर और थिकनेस कान की और अबलख में गुलाबी पना कान में, माशाल्लाह है। पंच में हाई फाइव पंच में आ सब कलर के बच्चे ले चुका हूँ, सब बीला अबलाक नासी अबलाक, जैसी बकरी लगाओ वैसा काम होता, गुलाबी अबलाक और जेट नासी। मैं कुछ कंपेयर तो नहीं करना चाहता, सब अपनी जगह बेहतर है, पर मेरे को ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल राय है, मैं थोपना नहीं चाहता किसी पे। मेरे को ऐसा लगता है अबलक बकरे जो होते हैं वो हर तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, गुलाबी में भी, नासी में भी, गुलाबी अबलक में भी, पीले में भी और जो है जेट नासी में। पता नहीं अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी खूबसूरती है इनको। पंच देखें, नाक अपने आप दबी हुई है, कोई हाथ भी नहीं लगाया, देखें आप लोग माशाल्लाह। थोड़ा छोड़ेंगे भाई, जब खेलता है ना इसका रुबाब देखो आप, इसका नाम है दोस्तों यूनिकॉर्न। इसकी लेंथ ब्रेथ देखें आप, वाह, नाम पे चलता है, उछलता है। दांतों में कितना है जिया भाई? चार दांत पे देखें, बिल्कुल तकलीफ नहीं देता है, देखें आप, सिर्फ खेलता है। वाह, स्टाइल देखे चलने की, नाचनी है भाई है। ये जो गैर मुल्क में नाचनी बकरे होते हैं ना, वो थोड़ा सा चला के लाएंगे आप। इसकी जो है ना चाल पे ही मैं इसका नाम यूनिकॉर्न रखा हूँ आसिम भाई। वाह, इसकी जो है ना बिल्कुल इसका फ्रेम घोड़े की तरह है पीछे, थोड़ा चला के लाएं, एकदम नाचनी है भाई है। जब स्टाइल है इसका चलने का देखो आप लोग, देखो अभी देखो चल के आएगा, देखो आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बात है, बात है, माशाल्लाह सही है, अल्लाह नजर से बचाए। देखिए इसको तो बेचना तो नहीं होगा, ये तो ब्रीडर है, ब्रीडर है भाई, है ना? इसके बच्चे तो आप दे सकते हैं अगर कोई मांगे तो, बच्चों के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए। अब बकरियाँ भी दिखाऊंगा और ब्रीडर्स भी इनके पास तैयार होने के लिए आगे के लिए। ये हैदराबाद का असली शौक माशाल्लाह, क्या बात है, इसका सीना स्टाइल। ये खेलता है बाकायदा माशाल्लाह, ये प्यार दिखाता है आपसे। हाँ आपकी आपकी फिटनेस भी बरकरार है इसलिए माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमको आज ये शौक दिखाया। जिया भाई इसको वापस से लास्ट में फिर देखेंगे हम लोग, अभी आपके बकरियों का शौक करेंगे इंशाल्लाह। सो दोस्तों काफ़ी नायाब ब्रीडर देखा आपने, अभी आपको हम बकरियां दिखाएंगे। दिखाने का मकसद ये होता है कि बकरियों का जो कलेक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर ब्रीडिंग सेटअप के लिए माशाल्लाह। ये दोनों काफ़ी हाई लाइन की ब्रीड लाइन की बकरियाँ हैं, लेंथ में, पने में, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, काफ़ी हेल्दी बकरियाँ देखने मिली आज जिया भाई के यहाँ। सो जिया भाई ये बकरियों के बारे में बताइए, कौन सी लाइन से ताल्लुक है? देखिए जो बेंगलोर में जो बकरा जीता है थर्ड प्राइस पे जी, नोमान शरीफ का, उसके जो है बकरे की बेटियाँ हैं, ये चार दांत पे है दोनों भी, माशाल्लाह।
18-8 कान है साइजिंग का। तो ये अम्मू की बेटियां हैं। अम्मू की बेटियां हैं ये जी। हम भी वो कंपटीशन में थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमको भी मौका मिला कि वो बकरियां बकरे देख पाए। तो आप देखिए वो लाइन से चलते हुए ये दो बकरियां हैं माशाल्लाह, ये आपके पास में है अभी। तो एक गाबन है अभी, ये बकरी जो है अम्मू जो बकरा है उसके पोतरे से भरी हुई है, बेटे के बेटे से। ओके, इसकी वीडियो है मेरे पास में जी। और ये जो है अपने यूनिकॉर्न से भरी हुई है, ये अपना जो यूनिकॉर्न है माशाल्लाह। दोनों के भी सेम साइज है। कान में कितने हैं लोग? 18-8। चेहरा देख लीजिए आप लोग, पंच देख लें माशाल्लाह। सब जो इसके बच्चे आते हैं आप आगे वो ही सेल आउट करते हैं ना इंशाल्लाह। सही। सो आप जिया भाई का नंबर तो वीडियो के एंड में देंगे आपको, इनकी और भी बकरियां दिखाएंगे हम लोग। तो जैसे अभी अम्मू जीता है तो वो हिसाब से लोग मांगते भी होंगे। ये विन विन तो इन्हें दो दिन पहले हुआ, लेकिन ये बकरियां अपने पास पहले आ चुके थे हम पहले ही आपके माशाल्लाह। ठीक है, तो अब इनको डाल के हम दूसरी बकरियां देखेंगे। सो माशाल्लाह, मतलब ऐसी बकरियां देख के तो बकरे भी फेल हो जाएं फुल लेंथ में। लंगर बोलते हैं अहमदाबाद में इसको, बुलडोजर बोलते हैं। और इसका नाक पे देखें आप, फुल गुलाबी है ना। और इसका जो शेप आता चेहरे का, डी शेप, डी बोलते हैं हैदराबादी जो बकरियां आती है, डी शेप, डी शेप। थोड़ा सा बताएंगे मेरे को रोमन नोज, ठीक है, क्योंकि हमारे हम सीखते हैं माशाल्लाह हर ट्रिप में। जैसा हमारे रॉयल मुखी गोट फार्म जो बताए हैं जी, डी जो आता है रोमन नोज, डी में पंच चेहरे में आते थे बकरियां, और पंच में भी आते थे, ऐसी बात नहीं है पंच में भी आते थे, लेकिन डी में ज्यादातर देखने को मिलते थे। मैं वीडियो के एंड में आपसे तो ये बात जरूर पूछूंगा, आप मेंटेन कैसे करते हो? क्योंकि मैं तो 10 जगह घूमा, लोग भी वीडियोस देखते हैं, इतनी हेल्दी बकरियां नहीं दिखती अल्हम्दुलिल्लाह। लेंथ हाइट खालिद भाई माशाल्लाह। गाबन है भाईजान, अभी ये यूनिकॉर्न से ही है, यूनिकॉर्न से भरी हुई। सही, थोड़ा छोड़े इसे, जब भी घूमते हुए भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये बकरियों की खास बात मैं बता दूं आपको जी भाई जी। ये जो है ना पीली अबलग बताते हैं इसको। हाँ। और ये बकरी जो है ना 99% जो है गुलाबी बच्चे बनाते हैं। ये बकरियां पीली 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 अबलग, 99% गुलाबी बच्चे बस, नर गुलाबी होना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह गुलाबी बच्चे लेना। और ये तो खुद भी गुलाबी है मेन बात। नासी भी आते हैं इनसे। हाँ। नासी भी आते हैं, अबलकाम भी आते हैं, लेकिन गुलाबी अगर मेल अगर इनको लगाए तो गुलाबी बच्चे दे। सही। और ऐसे बकरियों पे हमको जरा ज्यादा भरोसा आता। तो आपने इससे पहले ब्रीड लिया भाई? मेरे पास बिल्कुल जेट कोको कोला कलर का बच्चा आया इसको। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है बकरियां देखकर, और इंशाल्लाह लोगों का शौक भी बढ़ा होगा। देखें आप लोग कान में कितनी है? कान में आसिम भाई 17.5 है, बिल्कुल ओल्ड ब्रीड लाइन, डायना ब्रीड लाइन की है। डायना ब्रीड लाइन, वाह। हैदराबादी बकरे तो एग्रेसिव होते ही हैं। बकरियों का रुबाब देखें आप लोग, ये देखें आप, बहुत ही नायाब चीज देखने नहीं मिलती है, फुल जेड ब्लैक, ठीक है, एक वाइट दाग है इसके ऊपर बस। कान में कितनी होगी भाईजान? ये 17.7 है भाई, 17.7, 17.7 शॉर्ट हाइट है माशाल्लाह, अलग ही रुबाब है देखें आप लोग। हाँ मतलब देखिए कैसा है ना, मेरे को ऐसा लगता है खाना पीने पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। वाह, ये किससे गाबन है? यूनिकॉर्न से। तो अभी इस पे क्या रिजल्ट आने के चांसेस है? तो अल्लाह की मर्जी है, पर एक आपको भी थोड़ा मालूमात रहती है। अंदाजा जो है अबलग बच्चा आने, काले अबलग, अबलग का ही है बच्चा। अच्छा काले अबलग, लिया नहीं हूँ इसका रिजल्ट। अच्छा लिए नहीं, लिया तो ही मालूम होगा। ये बकरियों के भी नाम रखते हैं आप? नाम तो नहीं रखते ना, बकरों के रखे हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न है, ठीक है, एक छोटे गिड्डे चाउस है, गिड्डे चाउस है, पुराने बकरे थे। हाँ लेकिन मैं भी जो है उसको लाड़ से गिड्डा चाउस बोलता हूँ, तो गिड्डा चाउस ही रख दिया उसका नाम। सही, थोड़ा पुराने थे गिड्डा चाउस बकरा, हैदराबाद में मशहूर बकरा, लोग उससे कंफ्यूजन है, तो चाउस बुलाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपके बकरे हेल्दी भी माशाल्लाह और प्लेफुल भी हैं, अपना खेल रहे हैं आराम से। सही है, तो ये दो बकरी भी देख लें इंशाल्लाह, और भी एक शौक देख लेते हैं माशाल्लाह। एक से खजाने में से चीज़ें निकलती जा रही हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये सब शेयर कर रहे हैं हमारे से, हमारी कृष्णा से भी। आसिम भाई आप जो है टाइम दिया हमारे को, नहीं बहुत लोग कैसा है ना, तमन्ना थी बस दिल में आसिम भाई एक बार इंशाल्लाह हमारे जो है छोटे से शौक पे नजर डाले। नहीं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दिया हिंदुस्तान में,
और जानवरों के ताल्लुक से भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, थोड़ा बताइए इसके बारे में आप। ये जो है आठ दांत पे बकरी है जी, कोको कोला कलर है इसकी, हाइट कम है, एकदम ओल्ड लाइन की है, पुराने ब्रीड लाइन की है, ठीक है। ब्लैक बकरी है ना, इससे पहले देखे तो वही लाइनों में से ही नहीं थी। ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ना, ये अजमेरा बकरियों में भी आता है, और जिसे मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, सुनता हूँ तो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़बरदस्त नस्ल, जो बकरे भी निकलते हैं ना ऐसे, जिनको वो होल आता है, बहुत मतलब मानते हैं अजमेरा बकरों में। वही चीज़ आज मुझे पहली बार हैदराबादी बकरी में देखने मिली है। ये फुल कोका कोला कलर है दोस्तों, ठीक है। इसके चेहरे पर थोड़ा ब्राउनिश है और हल्का व्हाइट स्पॉट है ना, एक आध नहीं व्हाइट स्पॉट नहीं है, यहाँ पर एक है बस, नहीं वो हाँ ये शायद बुढ़ापे से आ गया, वो उम्र के साथ ना हमारे खुद के बाल वाइट हो जाते हैं, चार पांच बाल जी, चार पांच बाल है बस, तो ठीक है। और ये बकरी आपके पास कितनी बार जनी है? मेरे पास इन्हें तीन बार जनी है जी, और खास बात यह है बकरी की है जी, एक तो इन्हें मेरी फेवरेट है आसिम भाई, अच्छा, और जो है एक ही डोर बकरे के पास एक ही बार छोड़ने में प्रेग्नेंट कन्फर्म माशाल्लाह, तीन बार जनी आपके पास, एक एक बच्चा ही देती? दो अल्लाह का, फर्स्ट टाइम में दो नर आए थे जी, उसके बाद में जोड़ा आया, फिर जोड़ा आया माशाल्लाह, ठीक है। डाल दो कबीर उसको, एक बस वो कोका कोला के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि उस पर आप बच्चे कैसे लिए हो, मतलब बच्चे पूरे जो है नासी में आए थे, नासी में आते, उसकी एक बेटी भी है मेरे पास, बताऊँगा अब लग बकरा लगाए तो भी नासी में बच्चे, बाज मरतब ऐसा होता है ना, हाँ, और बहुत अच्छी बात है कि आप खुल के ऐसा बात बता रहे हो, तो लोग बोलते हैं कि नहीं अबलक ही आते हैं, गुलाबी आते हैं, ऐसा नहीं होता है, बाज मरतब अबलक में भी जो है नासियाँ भी बनते हैं, और अबलक से ही नासी बनी, हाँ, जहाँ तक कि हमारे उस्ताद ने बताए जी, अबलक से ही नासी बनी, नासी से अबलक भी बनते, लेकिन निकली तो अबलक से नासी। वाह, और ये बकरी के बारे में बताइए। ये बाहर से लिया हूँ हमारे आसिम भाई इसको जी, ये ज़ाफरान के लाइन में से है जी, ज़ाफ़रान एक बहुत पुरानी लाइन है, मैं बताऊं लोगों को, जो चल रही है माशाल्लाह, बहुत फेमस भी है, हाँ। वो लाइन में से बकरी आई है दोस्तों, बकरी है ये, चेहरा भी देख सकते हैं, कान भी अच्छे हैं, छह दांत पे है, 17-7 कान है इसके, 17 कान को मतलब एक बहुत अच्छे कान माना जाता है बकरियों के हिसाब से, फिर वो जो अगर बड़े कान का बकरा भी होगा तो बच्चे अच्छे कानों में लेती है माशाल्लाह, एकदम खुला कान। अच्छा, अभी तक इससे आपने एक भी झोल नहीं दिया? बाहर से लाया, अभी ठीक है, थोड़ी हेल्दी भी कम है बाकी बकरियों के मुताबिक, अभी आएगी आई थिंक खाने पीने पे इंशाल्लाह, सही डाल दो बेटा अंदर माशाल्लाह। सो अभी हम लोग ये अबलक बकरी देखेंगे, ये भी पुरानी बकरी लग रही है मेरे को तो माशाल्लाह, रोमन नोज पंच फेस, नाक देखें दबी हुई, कान देखें जड़ से खुले, कान कितने होंगे भाई इसके? 16 है, 16 है, 16 7 7, ये एक अप्रोप्रिएट कान मान लेंगे हम लोग माशाल्लाह। इसने बच्चे दिए अपने पास? अभी नहीं आया, अभी तक आया नहीं है, तो आपने भी काफी टाइम हुआ, लेकिन ये इसमें थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, तो मतलब ये हीट पे बार बार आ जा रही है? ज्यादा मोटी हो गई। अच्छा, ओके, ये सब चीजें भी बहुत देखनी पड़ती है, ज़्यादा चर्बी बहुत हो गई तो जो है बार बार रिपीट अपने को करना पड़ता है, तो अभी देखते हैं आगे चल के क्या रिजल्ट आएगा। अभी तो फिलहाल 15 दिन हुआ है इसको जी, क्रॉस करवा के देखेंगे इंशाल्लाह। सही, आप जो जो बकरियां दिखा रहे हैं इसमें से कुछ देना नहीं है ना अपने को? अगर कोई पूछे तो इंशाल्लाह पूछ सकते हैं ना आपको, और पर मेन जो अपना कॉन्सेंट्रेशन है वो है ब्रीडिंग करके बच्चे देना, मेन आप जो मेल बक्स है वो सेल करेंगे, ठीक है, सेल कर रहे हैं, और जो है और दूसरे हाँ। मसला ऐसा है क्या, जैसे गुजरात में अगर किसी को ब्रीडिंग सेटअप डालना है जी, बड़ा मेलबग बहुत महंगा आ रहा है फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है, तो वो छोटे बच्चे भी तैयार कर सकते हैं, लाइन के बच्चे मिल जाते हैं उनको, बिल्कुल लाइन के मिल जाते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ये भी दिखाने के लिए, अभी नेक्स्ट कोई बकरी है तो वो देखेंगे इंशाल्लाह। सो माशाल्लाह दोस्तों, सेकेंड ब्रीडर देख रहे हैं हम लोग, चाउस नाम है इसका, देखिए दांत भी खुद ही दिखा रहा है, दो दांत पे है, आगे के दांत अब निकालेगा, चेहरा मोहरा पंच रिंकल्स, वाह वाह वाह, इज अ बिट अग्रेसिव, तो थोड़ा संभालना होगा। खालिद भाई कैसा लगा है बकरा आपको? शानदार है भाई माशाल्लाह। छोटे चेहरे में पंच आके और कान खुले माशाल्लाह,
ज़्यादा मज़ा आ गया भाई ये बकरा देख के। ये आपने होम ब्रीड से निकाले थे भाई जान के? बाहर से लिया, क्योंकि मेरा रिसेंटली ज़्यादा टाइम नहीं होना आसिम भाई, इस वजह से मुझे अभी होम ब्रीड अभी मेरे हाथ में नहीं है अभी। हाँ। इंशाल्लाह हल्लू 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 जो है होम ब्रीड आई है। बहुत एक्सक्लूसिव लुक्स देता है ये, उतना ही एग्रेसिव है। हाँ, वो जो एक तरीके के सांड होते हैं, बैल होते हैं ना, उनकी ना आंखें धसी हुई होती है अंदर, उसको गिर बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, देखिए आप। और नाक के पास जो खड्डा आता है ना ऊपर, ये एक अच्छे ब्रीडर की ये सब पहचान है। पन चेक करें, ठीक है, डिब्बी वाला बकरा है टोटल ये। कान में कितना बोलेंगे आप इसको? 18-8 है आसिम भाई, 18-8। और अभी ये दो दांत पे है, आने वाले दिनों में 4 दांत तो जल्दी करते ही हैं बकरे, ये भी करेगा इंशाल्लाह। और कान बनने के चांस होते हैं क्या जिया भाई? इंशाल्लाह 4 दांत तक तो बढ़ते हैं इंशाल्लाह। और मैं एक और फ़र्क दिखा दूँ असली नस्ल में और जो आजकल जो हम बनाते हैं ना हाइट पैड या तोतापुरी से, इनके कानों का थिकनेस देखो आप लोग, ये एक फ़र्क होता है नस्ल के अंदर, ठीक है। इसके कान की थिकनेस आप चेक करें, बहुत मोटे कान होते हैं माशाल्लाह। वाह, जब खरीदे तो रिंकल्स थे इसको? जो थे रिंकल्स माशाल्लाह, जुड़ी हुई है आसिम ने, है ना। और बढ़ता कान का साइज और ज्यादा होगा, इससे पता चलता है। इसका नाम आपने चाउस रखे भाई? अच्छा, ये चल, ये भी अच्छा चलता है, मतलब आप स्टैंड पे बहुत ध्यान देते हो। मेरा भी ऐसा ही है भाई, पर्सनली मेरे को कौन सा बकरा पसंद आता है, अच्छा खड़ा रहता है। आपका भी शायद ऐसे कि जो अच्छा चलता है आपको बकरा पसंद आता है माशाल्लाह। इससे अपने लिए अभी? हाँ, अभी तो बकरियां गाभिन है, अभी ग्रेड तो अभी हाथ को नहीं लेंगे, दो दांत का ही है ना अभी। हाँ, अब बिल्कुल रिसेंटली अपन स्टार्ट करें इसकी ब्रीडिंग, 2 महीना हुआ स्टार्ट करके। सही है। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको दो दांत लगा के। इसका झालर वगैरह पट्टी आप, वाह मज़ा आ गया माशाल्लाह। दांत खुद ही दिखाता है, बोल दिखाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही दिखाता है माशाल्लाह। इसका पंच बताने की ज़रूरत नहीं है, और बाहर कौन है देखो तो? माशाल्लाह, सो दोस्तों इसके बच्चे अगर आपको ख़रीदने तो आप कॉल कर सकते हैं। जिया भाई का नंबर हम लोग वीडियो के एंड में देंगे आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह देंगे। जिया भाई, इसके अलावा और क्या देखने वाले हम लोग? और एक मेरे पास में एक गुलाबी ब्रीडर है जी, जो येलो आइस में है जी, अभी 10 महीने का है वो, इंशाल्लाह वो भी बताऊँगा। सही। सो दोस्तों आने वाले फ्यूचर का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं जिया भाई, कि आने वाले टाइम में कैसे बकरे और ब्रीडर वो तैयार करेंगे, आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। सो दोस्तों द फ्यूचर इंशाल्लाह जो तैयारी करें जिया भाई। जिया भाई, इसका नाम क्या रखे आपने? नाम नवाब है भाई। नवाब, और ये जो है ना येलो आइस में, येलो आइस में जी। और मैं एक और बात देख रहा हूँ, इसको अपन क्या गुलाबी बोलेंगे कि अबलग कैसा? गुलाबी में ही आता है, गुलाबी में बोलेंगे ना, गुलाबी में आता। और हैदराबाद में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो धब्बा आना चाहिए नासी का। नहीं नहीं, सही है, वो तो ज़रूरी है, नहीं तो वो हैदराबादी नहीं कहलवाएगा। और अगर आप लोग इसकी सिंग भी चेक करेंगे ना, तो ब्लैक के साथ साथ मार्बल शेड भी है माशाल्लाह। अब एक बात और नोटिस करिए आप लोग, इसकी आंखें जो देखेंगे आप बोलेंगे कि हैदराबादी की तो वाइट होती है, नहीं, हैदराबादी में ऐसी आंख भी आ सकती है, लेकिन इसके बच्चे वाइट आएंगे, वाइट भी आ सकते हैं, ऐसे भी तो अपन ब्रीडिंग लिए नहीं इससे जी, जब बच्चा है। पर उम्मीद तो वाइट आइस आने की है, क्योंकि इसकी माँ के भी वाइट आइस थे और इसके बाप के भी, इसके फादर के भी वाइट आइस थे। देखें आप, गुलाबी बच्चा है। कितने महीनों का है अभी? ये 10 महीने का है, 10 मंथ्स का है। देखें अभी से बहुत खेलने वाला है। नवाब नाम है इसका, एंड फ्यूचर माशाल्लाह। ये आपने बाहर से खरीदे थे ना? सब सिलेक्टेड जानवर जो है मैं खरीद के अपना शौक कर रहा हूँ। सही है, ये भी खेलेगा अगर इसको खोलेंगे ना, माशाल्लाह। सो जैसे जैसे आपने बताया ना कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो कांटेक्ट तो कर सकते हैं, फिर आगे का जो भी होगा बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो दोस्तों पूरा सेटअप देखा हमने अल्हम्दुलिल्लाह, एंड काफ़ी सारे बकरियां देखे हमने, ब्रीडर्स देखे, फ्यूचर प्लानिंग देखी,
ठीक है, अभी यूनिकॉर्न के बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे, देन आपको नंबर शेयर करेंगे जिया भाई का, ताकि आप लोग इनसे कांटेक्ट कर पाए माशाल्लाह। सो आने वाले दिनों में यही आपका मेन ब्रीडर होगा रहे, पर लेकिन आप थोड़ा मतलब तरीके से काम कर रहे हैं, नासी बकरी है तो हम चाउस को यूज़ कर रहे हैं, या फ्यूचर के लिए भी हम सोच रहे हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है माशाल्लाह। पर ज्यादातर बच्चे अभी इसके ही देखने मिलेंगे आने वाले अभी तो आसिम भाई, इसमें ये ना कि जैसी बकरी रही वैसा ब्रीडर अगर लगाए तो वैसी अपन नस्ल ले सकते हैं, तो पूरे हैदराबादी, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अपन थोड़ा बहुत तो सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में जी। नहीं बहुत कुछ डिपेंड भी करता है ना जैसा आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो, जैसा मैंने बताया कि गुजरात में मैंने कई जगह पे देखा कि लोग तोतापुरी भी यूज़ कर रहे हैं हैदराबादी पे, पतीरा यूज़ कर रहे हैं फॉर द कलर एंड अदर थिंग्स, जैसा उनका मार्केट है वैसा वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि हैदराबादी बकरा कॉमन है, हैदराबादी की बकरों ने ऑल ओवर इंडिया में नाम किया है, और ब्रीड आप लोगों की, आप लोग की मेहनत है उसके अंदर, ठीक है ना। तो भाई एक बार पहले आप अपना फोन नंबर बता दीजिए लोगों को। आसिम भाई मेरा नाम मोहम्मद जिया है और 9959321883। ठीक है, ये भाई का नंबर है, एंड अगर हैदराबाद में कोई आना चाहता है देखने के लिए, वैसे तो भाई से कांटेक्ट करके एड्रेस ले सकते हैं, पर ये बालापुर एरिया में, बालापुर ड्रीम सिटी, ड्रीम सिटी करके एरिया है, ड्रीम सिटी के बैक साइड में माशाल्लाह। आओ इधर आओ, यूनिकॉर्न को बाहर घूमने जाना है माशाल्लाह। खालिद भाई ओवरऑल आपको कैसा लगा भाई का शौक? माशाल्लाह भाई जबरदस्त, सबसे प्यारी इसकी चलन है यूनिकॉर्न की, सबसे अच्छा जो देखने में आया मेरे को इसकी चलन, और जो छाता तना के ठहरता है माशाल्लाह वो आप में वो भी शानदार है, बहुत मजा आता है। कानों में है, हर चीज़ में आगे बढ़े हुआ है बकरा माशाल्लाह। वो इन्होंने रखा भी ऐसा है ना, नहीं तो ये साइज में बकरे एकदम दीवाने हो जाते, मारते हैं वो। हाँ, मारते हैं भाई। सही है, ये खेल कूद में अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। चलन पे जरा व्लॉग आ गया, आया आया आया, बस फिर नहीं कर नाचनी हैदराबादी बोलूंगा इसको। हेलो जी सर, देखिए एक तरीके से बात सुन रहे हो जी भाई। आओ जरा आओ आओ, या आसिम भाई को सलाम दीजिए। आओ पूरा घोड़े की तरह ट्रेन किया आपने, वो उसकी जगह है, अल्लाह का शुक्र है, देखो कैसा अपनी जगह उसको पता है। सही है, सो आपका नंबर शेयर कर दिया हमने, आगे के लिए अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है आपसे, आने वाले दिनों में बच्चे भी आएंगे तो आपसे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह इसके बच्चे भी परचेस कर सकते हैं। हेलो